आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि कल से बच्चे जिद कर रहे हैं चाउमीन बनाने के लिए, तो मैं उन्हें चाउमीन बना के अभी तक खिलाई नहीं हूँ, तो इसलिए मैं आ गई हूँ बच्चों के लिए चाउमीन बनाने। और मतलब मैं बच्चों के लिए बिना मिर्च वाला पहले बना दूंगी और मैं बॉईल करके रख दूंगी, बाद में जब मेरे हस्बैंड आएंगे तब मैं उनके लिए और अपने लिए बनाऊंगी अपना नूडल्स, जो है हक्का नूडल है, ये वेज हक्का नूडल, तो मैं यही बना रही हूँ। तो इसे भी मैं बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, ये मैं यहाँ करने के लिए, और नूडल्स मैं यहाँ पे निकाल के रख ली हूँ। तब तक मैं इधर चॉपिंग कर ले रही हूँ। जब पानी में बॉईल आने लगेगी तो मैं उसमें थोड़ा ऑयल यूज कर दूंगी, और इधर मैं कर लेती हूँ चॉपिंग और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ पे मेरी चॉपिंग हो गई है, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, धनिया पत्ती और पनीर। और मैं आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे लेमन क्यों रखी हूँ, तो मेरी विनेगर ख़त्म हो गई है इसलिए मैं लेमन का यूज़ कर रही हूँ। और मैं ये भी पीस भी डालने वाली हूँ इसमें। मेरी पैन गरम हो गई है और मैं उसमें ऑयल डाल दी हूँ, और अब प्याज भी उसमें डाल दे रही हूँ। पनीर, प्याज, पनीर को मैं थोड़ा उसमें फ्राई कर लूँगी इसलिए पनीर में प्याज की जस्ट। और ये बन रहा है बिना मिर्च वाला, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ। और अभी जो भी मैं वेजिटेबल्स कट करके रखी थी वो भी मैं डाल दे रही हूँ, बच्चे बहुत दिन से परेशान कर रहे थे इसलिए मैं उनके लिए पहले बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैं मिर्च जब भी डाल देती हूँ तो वो लोग मिर्च वाली नहीं खा पाते हैं, तो मैं सोची कि पहले उनके लिए विदाउट मिर्च वाली बना देती हूँ और फिर हमारे लिए मैं बनाऊँगी। सब्जी मेरी थोड़ी फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें चाउमीन डाल दे रही हूँ, और उसके साथ ही मैं इसमें जो भी सॉस वगैरह है मैं यूज़ कर दूँगी। सिर्फ मुझे इसमें सोया सॉस और अभी नमक मैं डाल रही हूँ, और सोया सॉस डालूँगी थोड़ा, और थोड़ी सी रेड चिल्ली सॉस डालूँगी बिल्कुल ज़रा सा, क्योंकि वो ज़्यादा तीखा वाला नहीं है ये, ताकि बच्चों को थोड़ी सी टेस्ट अच्छी लगे इसलिए मैं वो डाल रही हूँ। अब ये रेडी हो गया है और मैं गैस बंद कर दी, अब बच्चों के को मैं दे देती हूँ। और ये रही बच्चों की प्लेट्स जो कि रेडी हो गई, और अभी बना रही हूँ मैं मिर्च वाली चिल्ली वाली नूडल्स, बच्चों ने खा लिया, मैं उसी में लग गई थी। तो अभी मेरी पैन गरम हो गई है और उसमें मैं तेल भी डाल दी हूँ, ऑयल, कुकिंग ऑयल में ही बना रही हूँ। तो पहले मैं उसमें अदरक और लहसुन जो मैं कट करके रखी थी वो डाल के ज़रा सा फ्राई कर ले रही हूँ, और उसके साथ ही मैं मिर्च भी इसमें डाल दी हूँ, और बस ज़रा सा ये भूंग जाएगा, मीन्स भूंग ही गया है। और मैं इसमें अभी प्याज डाल रही हूँ, और प्याज जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो मैं इसमें सबसे पहले पनीर ही डालूंगी, क्योंकि थोड़ा सा वो फ्राई हो जाएगा तो उसकी जो टेस्ट है वो अच्छी आएगी। अभी प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई है और मैं उसमें पनीर डाल दी हूँ, पनीर ज़रा सा भूंग जाएगा, मीन्स ज़रा सा फ्राई हो जाएगा, तो फिर मैं उसमें बाकी की जो भी सब्जी है मैं वो सब साथ में डाल दूंगी। और अभी मेरे पति देव ऑफिस से आ गए हैं तो मुझे बनानी है चाय, तो मैं दूसरी तरफ चाय भी रख दे रही हूँ ताकि वो भी बनता रहेगा और मेरी नूडल्स भी रेडी हो जाएगी। और ये देखिए मैं इसमें सारी सब्जियाँ डाल दी हूँ, और मैं इसमें पीस भी यूज़ की हूँ, और पीस की वजह से इसका जो फ्लेवर था ना, टेस्ट था, वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मीन्स बहुत अच्छी बनी हुई थी जो मेरी चाउमीन बनी थी। और अभी इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, और साथ में ब्लैक पेपर भी मैं इसमें यूज़ कर दी। अगर नूडल्स में हम लोग ब्लैक पेपर डालते ना तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब मैं इसमें सॉस डाल दे रही हूँ, तो ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस है और 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस,
और ये रही लास्ट में मेरी कोरिएंडर लिप्स। मैं इसमें विनेगर की जगह लेमन जूस यूज़ की थी क्योंकि मेरी जो विनेगर थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैं ऑप्शनल में लेमन यूज़ कर दी और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आया था। तो बस अब मेरी नूडल्स जो है रेडी ही हैं, अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है। थोड़ा सा और मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद गैस बंद कर दूँगी और फिर चाय और नूडल्स हम लोग खा लेंगे। तो ये लाइट और देखिए, सिंपल मेकअप करना है तो और यहाँ मैं अपने फेस पे सीरम यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले मैं सीरम लगा ली थी अपने फेस पे क्योंकि मुझे काफ़ी हेवी मेकअप नहीं करना है और मैं ज़्यादा हेवी मेकअप करती भी नहीं हूँ, बिल्कुल लाइट मेकअप करती हूँ। वही मैं प्राइमर और लगा ले रही अभी हूँ। मैं सीरम, उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे और इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। नेक एरिया में भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। और पीछे बच्चे भी खेल रहे हैं। मैं जब रेडी हो रही थी तो शिवांगी मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी, मुझे रेडी होने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रहा था। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ही मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। रवि फोर्थ में यूज़ कर ले रही हूँ अंडर आईज कंसीलर और थोड़ा सा चिन और थोड़ा सा फोरहेड और नोज पे। और यहाँ मैं डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ और उसी भी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ, चिन एरिया में भी और आईज अंडर आईज मैं यूज़ की थी और फोरहेड पे भी, ताकि थोड़ा सा जो हमारा मेकअप है ना वो उसका लुक काफ़ी अच्छा आए। मेरी आई सेट हो गई पिंक और अभी मैं लगा लूँगी लाइनर। और यहाँ मैं मिरर में देख के ही लाइनर यूज़ कर रही हूँ, लगा रही हूँ। कैमरे के सामने मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कैमरे में देख के करने में, इसलिए मैं मिरर में ही देख के लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। और ये वाली जो लाइनर है ना, मुझे इससे लगाना काफ़ी इजी लगता है और इसलिए इससे मैं अप्लाई भी कर लेती हूँ। और अभी मैं काजल भी लगा ले रही हूँ और ये हो गया फाइनल मेरा मस्करा। और मैं यहाँ पे ज़रा सा कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर ली हूँ और अभी मेरी हो गई ये पूरी लुक कंप्लीट। और अभी मैं हेयर कॉम नहीं की हूँ, हेयर कॉम करने के बाद मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। करें तो ये है मेरी फाइनल लुक, अब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी मैं जा आ गई हूँ जहाँ हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, मीन्स हमारे लिविंग एरिया में। तो यहाँ बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे केक कटिंग के लिए, वो पहले से ही कैंडल भी बुझाने लगे थे। और केक कटिंग के लिए तो सबसे ज़्यादा शिवांगी एक्साइटेड थी। ये देखिए वो क्या कर रही है। और इन लोगों के साथ कुछ भी सेलिब्रेशन करना ना काफ़ी टफ होता है, बट फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हाँ अच्छे से कर लें। It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's fine. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh, yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together.
beautiful day. And I'm smiling, holding on to your tight. I guess our hearts kinda lie. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. So much love to फाइनली मेरा केक कटिंग हो गया. हम लोग का बच्चे सो गए हैं, बच्चों को सुला के हम लोग आए हैं तो कुछ फोटोज़ वगैरह लिए क्योंकि वो लोग काफ़ी परेशान करे थे पूरे दिन, वो लोग सोए नहीं थे. अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा. काफ़ी लव यू ऑल और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए बाय बाय.